नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। सुपर द लीग चैंपियनशिप ग्रुप ए राउंड 3 का लास्ट मैच राजशाही रॉयल्स वर्सेस सेंट लुसिया ज्यूक्स के बीच शुरू होने वाला है। हम बने हैं लेफ्ट साइड की टीम राजशाही रॉयल्स है, यहाँ पर सेंट लुसिया ज्यूक्स के कप्तान ने। टॉस की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, खास करके जब आप ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हो। अपोनेंट एआई मतलब कि सेंट लुसिया ज्यूक्स ने जीता है टॉस डे 5। हर बार की तरह हमने मुश्किल बनाई है पिच, हैवी क्रैक्स के साथ डे 5 भी रखा है। बॉलिंग में आ रहा है सेंट लुसिया ज्यूक्स, हम करेंगे डिफेंड आज। थोड़ा सा सरप्राइज हूँ देख के स्पिनर को, पहली गेंद स्पिन को जज कर नहीं पाए, ज्यादा मौका था नहीं। फ्रंट फुट पे सिंपल शॉट ले रहे थे, कोई बहुत एक्सपेरिमेंटल शॉट था नहीं, लेकिन बीट हुए, फ्रंट फुट गया ही नहीं आगे, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बैक फुट आप देखोगे, बैक फुट पीछे गया या तो खड़े ही रह गए वहीं के वहीं और बस एक्शन किया ड्राइव जैसा, बीट हुए लिटन दास पहली गेंद पर आउट। फील्डिंग ऐसी पैक की है कि आप सिंगल भी नहीं ले पाओगे, लेकिन गैप निकलता हुआ एकदम महीन सा गैप था, वहीं से हिट किया फुकोर ने और चौका लगा दिया है। पहली गेंद जहां गेंदबाज के नाम, दूसरी गेंद बल्लेबाज के नाम, इस बार भी गैप निकला लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा वीक लग रहा है। चेस जारी है, 3 का चांस बनाने की कोशिश, गलती का बनेगी रीजन, अवॉइड किया। दोनों तरफ से लेफ्ट हैंडेड ओवर द विकेट ही आ रहे हैं, मैं मानता हूँ गलती है इनकी, गेंदबाज को साइड चेंज करनी होगी जल्दी, क्योंकि अगर पड़ गए दो बड़े हिट तो फिर अफसोस करेंगे। सर 2 रन डायरेक्ट हिट भी लगी है, यानी सेफ है। 2 गेंदें 2, इस बार यॉर्कर रखी है, थोड़ा डीप भेजा है गेंद को स्क्वायर से, पर 2 ही मिलने के चांस है, वो भी अगर थ्रो बेहतर रहा, वापस गया क्योंकि एक डायरेक्ट थ्रो लग चुका है। टॉप विकेट खेलने की फिराक में है, गैप में कर दिया है गेंद को, फाइनली चौका निकाल ही लिया ओवर में, लगातार अटेम्प्ट किया था 5-5 गेंदों में इससे पहले। सुकूर ग्राउंड शॉट, देखना होगा कितनी जल्दी हम पहला पूरा करते हैं। रनिंग भाई खतरे में है और आउट है। डाइव तो लगाया लेकिन थर्ड एम्पायर वेस्ट किया था, मुझे तो लग रहा है क्लंप है, काफी क्लोज रहा है लेकिन थर्ड एम्पायर डिजर्व करते हैं, पर लाइव एक्शन में आउट लग रहे थे। जी आउट है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर बहुत क्लोज रहा है, मतलब रियल में भी होते तो लेते ही। आया डिसीजन आउट का, ये जो उम्मीद थी, आसिफ हुसैन यहाँ पर क्यों सिंगल के चक्कर में, क्यों डबल के चक्कर में आउट। राइट आर्म ओवर गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी, लास्ट ओवर में लगाया था एक आखिरी गेंद पे चौका, इस बार स्ट्रगल जारी है, स्ट्राइक कंटिन्यू किया ये बेहतर है मान ले, 2 रन भी निकालते हुए। 13 में बना है 20, एक बार फिर ऊंचा शॉट, इस बार फिर सेम हालात होती हुई, मैं 2 के लिए दौड़ रहा हूँ, थ्रो इस बार फिर गेंदबाज की तरफ आता हुआ, सेम गलतियों को दोहरा रहे हैं। 9 बॉल भी है यहाँ पर, बाउंस, हम तैयार फ्रेड के साथ, गैप में लग रहा है लेकिन चेस कर लेंगे गेंदबाज फील्डर, 2 रन कंफर्म करेंगे, रोकेंगे नहीं भाई, ये बहुत अच्छी फील्डिंग, क्योंकि अगर रोक के खाली आगे चले जाते तो 3 आ जाता। 15 गेंदें 24, बड़ा हिट गैप में है, घबराने की कहीं कोई आशंका नहीं लगी है। 4 सुकूर का, 16 गेंदें 28 रन, एक बार फिर यहाँ पर हमारे सुपर 30 में वन मैन परफॉर्मेंस दिखता हुआ, डोमिनेट करता हुआ एक खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी अभी हाल फिलहाल सपोर्टिव भूमिका में। 39 में से और ये बेहतर है, 6 लगेगा यहाँ पर, लास्ट गेंद का फिर फायदा देखी गई है राजशाही के लिए। 11 के ऊपर रन रेट, सामने खेलना पसंद किया है, मिड ऑफ से फील्डर आने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है 6 के पार चला जाएगा। जी हाँ, पहली गेंद पे छक्का मलिक का, बॉल टू बॉल खेल रहे थे, एक आध बड़े हिट लगाना बनता ही था और इस बार स्ट्रेट गेंद आई, फुल आई बैट पे, कोई गलती नहीं की सामने खेलने में और 6 जोड़ के गई। तैयार मलिक एक और बड़ा हिट के लिए, इस बार ऊंचा ज्यादा चला गया है, 238 के आसपास ही रह रही है, फील्डर वेट कर रहे हैं गेंद का और विकेट गिरता हुआ मलिक का, एक छक्के के बाद एक बड़े हिट के चक्कर में अपना विकेट गंवाते हुए। 4 गेंदों में 8 करके आउट, 2 विकेट और बाकी और 4 गेंद। रसल एक थोड़ी गड़बड़ की है राजशाही ने, गेंद बहुत बढ़िया, फील्डिंग ऐसा लगा है जैसे सिंगल रोकना हो, बीट करा दिया सबसे, बैट स्विंग पूरा कर रहे हैं, जितनी ताकत है पूरा लगाना चाहते हैं। 4 निकलेगा इस गेंद पर, रनिंग ऑलरेडी स्टॉप कर दिया है, 38 पे पहुंचेंगे शुक्र, जा सकता है, लूज शॉट नहीं चलेगा, बहुत लूज आ गया, हम पहले ही रेडी हो गए थे खेलने के लिए, ऐसा लगा दिया गया शॉट टाइमिंग में, और 38 के अंदर ही कैच आउट, बॉल लास्ट विकेट, ऑल आउट का रिस्क, चाहूंगा मैं एक चौका लगे ताकि एटलीस्ट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट 12 का रहे, बढ़िया कैच भी कहूंगा क्योंकि उछला था और ये बहुत ही गिरने वाली पोजीशन में आ गया था आगे। इरफान शुक्र लास्ट गेंद 60 प्लस, हाँ हो गया भाई 60 एग्जैक्ट 60, रनिंग ऑलरेडी स्टॉप कर दी है, 59 राजशाही रॉयल्स बना, जिस तरह से धीरे शुरुआत हुई थी काफी अच्छा कवर किया है, बढ़िया टोटल खड़ा रखा है स्कोर कार्ड पर, वन साइडेड मैच होने से रहा, अभी फाइट बैक होने वाला है ये कन्फर्म है, कोई खास परफॉर्मेंस दे दे तो बात अलग है। शुक्र को जाएगा क्रेडिट इसका,
गेंदबाजी में आप देख सकते हैं कि दो विकेट निकाले खाने, लेकिन पिटाई बहुत हुई है। 60 का टारगेट चेस करने उतरेंगे शेन लुशिया, जो पहली गेंद का सामना कॉर्नवॉल और फ्लेचर, और गेंदबाजी दी गई है शादिक नजीब को। फील्डिंग आप चेंज कर सकते हो नहीं जब तक बॉल टू बॉल नहीं आया सकता। जी हाँ भाई, बॉल टू बॉल का रूल है। पहली गेंद पर चौके से शेन लुशिया जो की शानदार शुरुआत। ऐसे भी वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग की टीम सरप्राइज करने में माहिर है। मिलती है हमारे गेंदबाजों को, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक बार फिर उछलते हुए गया, गेंद फिल्टर लग रहे हैं डीप में। जी हाँ, लेकिन क्या तीन लेंगे ये? मुझे लग रहा है तीन की कोशिश हो, दौड़ चुके हैं, थ्रो भी निकल चुका है, डाइव लगाया, पूरा किया। क्या बेल्स उड़ी है भाई, थोड़ा अर्ली प्रेस हो गया, वाइट हो सकती है गेंद, लेकिन उसको फिर भी बल्ले पे ले। और सबसे अच्छी बात यह है शेन लुशिया जो उसके नजरिए से कि दो रन आते हुए, तीन का अटेम्प्ट हो सकता है अगर रनिंग नॉन स्ट्राइक रन से शुरू हो जाए। जी हाँ, की तो है कॉल, लेकिन दौड़े नहीं। लास्ट गेंद फ्लेचर ऊंचा हिट, लेकिन ये कैच में कन्वर्ट हो सकता है। फील्डर वेट कर रहे हैं, डिपेंड करता है कैसा रिस्पॉन्स आता है यहाँ पर। पहला विकेट भी शेन लुशिया जूक्स ने पहले ओवर के एंड में खो दिया है। लास्ट गेंद हमारे लिए हर बार प्रॉफिटेबल रही है आज के दिन। आसान विकेट मिलती हुई यहाँ पर नजीब को, आंद्रे फ्लेचर आउट। शेन लुशिया जैक्स जूक्स जैसा ही बॉलिंग लाइनअप लग रहा है। स्पिनर, तेज गेंदबाज, चौके से यहाँ पे आगाज। दयाल का पहली गेंद ही खेल रहे थे, विश्वास दिखाया अपने शॉट पे चौका पुल के साथ। पहली ओवर तो बहुत अच्छी खेली कॉर्नवॉल ने। वाइड अपील नहीं, मूवमेंट शायद पैरों पे लगी, वाइड नहीं दी गई है, शरीर के हिस्से को टच हुई थी, वाइड दिया नहीं और सीधा खेलने में बोल्ड। ये मतलब एआई को उसी के सबसे मजबूत पॉइंट पे हमने आउट किया, ये यादगार विकेट रहेगा मेरे लिए। स्ट्रेट शॉट, उससे बेहतर एआई से बेहतर कोई नहीं खेलता। और क्या गिल्लियां नाची है, मजा आ गया देखिए। टीम कौन वाला जो कि अच्छा खेल रहा था आउट हो गए। जायद का ओवर बहुत अच्छा लीजिए, अगली गेंद पे स्ट्रेट शॉट पे चार लगाकर दिखा दिया कि भाई हम ही बब्बर से हैं। स्ट्रेट शॉट पर अगेन यॉर्कर ग्राउंड शॉट ले रहे हैं, ऊपर से दो की कोशिश, थ्रो निकला है यहाँ पर कीपर की तरफ, थोड़ा लेट रहे। ये ओवर मीडियम पेसर और कैच का कॉल जरूर है, लेकिन फील्डर के पास गया है, पिचका के वन बाउंस रन एक। दयाल बहुत पुल शॉट ले रहे हैं, पर गेंद तीन रन के करीब पहुंचता हुआ स्कोर, चौका लगा इस गेंद पे, स्ट्रेट खेला एक बार फिर चेज ने और चार निकाला है। पर गेंद तीन से ज्यादा इम्पॉसिबल लगता हुआ स्कोर, वाइड गेंद उसी बीच डाल दी हमने। 21 गेंदे 31 बड़ा हिट, 6 के लिए जाता हुआ नहीं, यहाँ पर अचानक कैच का चांस बनता हुआ, बहुत मुश्किल है, रनिंग में फुल रखना चाहता हूँ, रोका है 6। जी हाँ, एक चीज अच्छी की 6 रोक दिया यहाँ पे। अब इंटरेस्टिंग ये होगा, थ्रो बहुत वीक आ रहा है, चांस है दौड़ के ले लिए, थ्रो निकला है, स्टंप से तक पहुंचा है, ओवर थ्रो हुआ वहां पर भी। 8 गेंदे 25, इस बार इजी कैच है, फील्डर आ चुके लाइन में, रसेल ने किया कैच, चेज को भेजा पवेलियन, बहुत जरूरत थी इस तरह की, क्योंकि अब बड़ा हिट कर रहे थे, ये भी था हमारे लिए कि मौका भी बन, मौके दिए चेज ने और हमने उसका फायदा उठाया। 10 रन आया है, लेकिन 520 का हो चुका है, ब्लैक बाय का रन दे रहे हैं लास्ट गेंद पे। दयाल चौकों से बात बनेगी नहीं, सिक्स लगाने के चांसेस मुझे कम लगते हुए, लास्ट गेंद तक ले जा सकता है अगर 5 चौके लगा दे, लास्ट पे कुछ बड़ा कर दे। इस गेंद पे चौका, पुल लिया शॉट, इतना शॉट नहीं था पर लिया है, काफी अच्छा शॉट, चार निकाला, थोड़ा सा ललचाया है इस गेंद पे, इनविटेशन दिया, ये क्रॉस खेल रहा है, मैं सामने की उम्मीद कर रहा था, फील्डर एक हमारे मिड ऑन पे खड़े हैं कैरी करने के लिए लॉन्ग ऑन पे, लेकिन मिड विकेट से चार, नंबर दो इस ओवर का। गेंद नंबर 4, 3 में 15, स्ट्रिप शॉट फिर से, इस बार गैप में है वो, मिड विकेट वाली पोजीशन एआई भर नहीं रहा है, ये चिंता की बात है। 3 चौके लगा दिए, पहली गेंद डॉट थी वरना ये मैच में बना रहता, अभी भी 6 चाहिए। एक 2 गेंदे 11 और एज के साथ ये मैच समाप्त होता हुआ शेन लुशिया जूक्स के लिए। 3 चौके, लास्ट गेंद में सब कुछ बैच दिया अपना, चौका भी लगाया लास्ट गेंद पे, लेकिन पहली गेंद जो डॉट हुए वहां पे मार खा गई और पीछे होती चली गई मैच में। इन दी एंड जैसी उम्मीद थी पहली इनिंग के बाद वही हुआ, राजशाह रोज 6 रनों से जीतता हुआ मैच। रैंकिंग टेबल आपके सामने हो चुका है अपडेट, इरफान शुक्र अपनी शानदार बैटिंग की बदौलत ले जाते हुए मैंने दो मैच, होगी मुलाकात आप लोगों के साथ अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियो चैनल पर देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।